दिल रुक जाता। ओके सो है गाइस, तो फिर से इंस्टाग्राम रील्स पे एक वायरल वीडियोस का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। चूंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियोस देखा होगा, भाई ये जो गुरु रंधावा का सॉन्ग है भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसके ऊपर काफ़ी सारे लाइक आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरीके का वीडियोज़ बनाओगे अपने फोटोज़ का या फिर किसी दूसरे के फोटोज़ का, भाई बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। सो गाइस बता दूँ कि इस तरीके का वीडियोस आप 2 से 3 मिनट के अंदर बना सकते हो मात्र इस वीडियो को पूरा देख के। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और नए हुआ तो सब्सक्राइब करके चैनल को साथ में घंटी को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके रखना, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग वाले वीडियोस आते रहते हैं। सो गाइस बता दूं, इस तरीके का वीडियोस एडिट करने के लिए आपके पास तकरीबन आपका जो है 11 फोटोज होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 11 फोटोज है तो आप इस तरीके का वीडियोस बना सकते हो। इस वीडियो को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है VN वीडियो एडिटर, ठीक है। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो सबसे पहले अपना जो VN ऐप है उसको सिंपल से कर लेते हैं ओपन। तो देख पा रहे हैं, मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद आपको प्लस के ऊपर करना है क्लिक और यहां से करना है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक। उसके बाद चले जाना है फोटो वाले सेक्शन पे और यहाँ से जो भी फोटोस आपको लेना है आप यहाँ पे फोटो फटाक से सेलेक्ट करो। तो चलिए मैं फटाक से फोटो सेलेक्ट करता हूँ। सो गाइस मैंने 11 फोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करोगे कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले म्यूजिक के ऊपर करना है क्लिक, उसके बाद म्यूजिक पे जाना है, उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक करके एक्सटर्नल फॉर्म वीडियोस पे जाना है। और मैंने इस वीडियो का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। इसके ऊपर करना है क्लिक सिंपल सा और उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है ओके। ओके जैसे ही कर दोगे इसका देखिए साउंड निकल के आ जाएगा। फिर आपको चूज वाले बटन पर करना है क्लिक, उसके बाद यहाँ पे देखिए म्यूजिक बीट्स, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने म्यूजिक को प्ले करना है। और आपको बीट जो है मतलब यहाँ पे पकड़ाना है कि बीट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो मेरे को पता है, चलिए मैं बीट लगा के दिखाता हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट बीट मेरा यहाँ पे है, देखिए साउंड बहुत ही ज़्यादा ऊंचा सा दिख रहा है। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट बीट है। यहाँ पे लेके आएंगे इस व्हाइट वाले लाइन को, इस तिरंगा के ऊपर कर देंगे क्लिक, थोड़ा सा आगे जाएंगे और दूसरा बीट यहाँ पे है, इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला मेरा बीट यहाँ पे है। आप लोग सॉन्ग सुनते रहना, पकड़ लोगे बीट कहाँ पे। यहाँ पे आके एक और कर देना, फिर आगे जाना यहाँ पे भी लगा देना, फिर एक यहाँ पे बीट है, ठीक है, इसको लेना। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे, एक बीट यहाँ पे है, एक बीट यहाँ पे है और दूसरा वाला बीट जो है इधर है। मतलब इसी तरीके से आपको जो है सारे बीट को पकड़ना होगा सुन सुन के। तो चलिए मैं सारे बीट को सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। सो गाइस मैंने जो है सुन के सारे बीट को सेट कर दिया, देख लो यहाँ पे 11 बीट मैंने लगा दिया है आपके सामने। उसके बाद यहाँ से कर देना डन। इतना करके नीचे डन कर दोगे तो देखिए आपका जो साउंड है ऊपर में दिख रहा है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे बीट्स लग के आ चुके हैं लाइन लाइन से, ठीक है। तो आपको इसी लाइन के बराबर अपने फोटोज़ को लेयर को रखना है। तो फर्स्ट वाले लाइन के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको इस तरीके से ट्रिम करना है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला जो लाइन है इसको थोड़ा सा जूम कर लेना टाइम लाइन को, आप लोग इतना कर लेना। अभी देखिए दूसरे वाले पे चलते हैं, ये रहा दूसरा वाला, इस पे आएंगे और इस फोटो को भी इसके बराबर कर देंगे। अभी तीसरे वाले बीट पे जाएंगे और इस वाले फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी कुछ इस तरीके से ट्रिम कर देंगे खिसका। फिर इस वाले पे जाएंगे और यहाँ पे इसको भी कर देंगे। इसी तरीके से सारे को करना है, तो चलिए फटाक से करते हैं। सो गाइस मैंने सारे को कर दिया है। उसके बाद लास्ट वाले को यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, इतना कर देंगे। तो अभी हमारा जो है वो मतलब बीट के साथ जो है फोटोस लग चुका है। अब इसके अंदर हमें एक ट्रांजेक्शन देना है। तो ट्रांजेक्शन सबसे पहले फर्स्ट फोटो पर देंगे, तो फर्स्ट वाले फोटो के ऊपर क्लिक करके एफएक्स पे जाएंगे और यहाँ से हमें ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, स्पिन इन, इस वाले को सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा खिसकाना है इधर के साइड, ठीक है, इधर के साइड खिसका के और इसको पूरे फुल स्क्रीन पे देना है, मतलब पूरे फोटोज़ पे दे देना है इतना छोड़ के आगे, ठीक है। उसके बाद डन कर देना, इतना कर देना। अब दूसरे वाले फोटोज़ के ऊपर क्लिक करना, एफएक्स पे जाना और इधर आओगे साइड में, ठीक है। इधर जब आओगे ना तो यहाँ पे दिखेगा एक स्लाइड राइट, ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल का फोटो दिखेगा, इस वाले को ले लेना और इसको पूरा खिसका देना स्टार्टिंग से, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले फोटोज़ के ऊपर सिंपल से क्लिक करना, फिर से एफएक्स पे जाना और फिर वहीं वाला ट्रांजेक्शन आपको लेना है, ये रहा जो स्लाइड राइट, इसको लेना है और इसको पूरा यहाँ तक स्टार्टिंग से खिसका देना है। इसी तरीके से सारे पे देना है। तो फिर इस वाले पे आएंगे, एफएक्स पे जाएंगे और फिर सेम ट्रांजेक्शन देंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको पूरा स्टार्टिंग में ले जाएंगे। इतना करना है सभी पे, तो चलिए सभी पे करके दिखाते हैं। तो गाइस मैंने जो है ट्रांजेक्शन हर एक फोटोज़ के अंदर डाल दिया, ठीक है, एफएक्स पे जाकर सभी में मैंने डाल दिया जैसा कि आपको बताया था। तो अभी करना क्या है, आपका वीडियोस बिल्कुल रेडी है। एक काम करना है, वो ओरिजिनल पे क्लिक करके इसको यहाँ पे आपको जो ये 9.16 है इसको सेलेक्ट करना है, ताकि आपका फोटोज जो है वो सारा फुल स्क्रीन में सेट हो जाए। तो अभी आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, वीडियोस को प्ले करके मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है मैं माइक लगा के यूज़ कर रहा हूँ, जिससे होगा कि साउंड आपको थोड़ा सा आगे पीछे सुनाई पड़े, पर ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल बीट के साथ मैच है वीडियोस, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कॉपीराइटेड सॉन्ग है।
तो बस इतना ही, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, सारा कुछ बीट जो इसके साथ मैच है। तो अभी करना क्या होगा, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको अपनी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट करके जाके अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।